नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 30वें दिन की कथा, अध्याय 30 में पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। हरि नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। साध्वी नारी का कर्तव्य है कि वह मन वचन कर्म से पति को समर्पित रहे, चाहे युवती हो, चाहे अधेड़ महिला हो, चाहे वृद्धा हो। किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। अहंकार काम और क्रोध को त्याग कर सदा पति के साथ प्रसन्न रहे। अन्य किसी दूसरे पुरुष के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़छाड़ से, मेला तमाशा की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त नहीं हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोम होते हैं वह उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए वैभव के लालच में ना आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन क्रम वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित होती है। चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में आकर भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर, हंसने पर भी अपने पति को विस्मित न करे, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वह सती है। सुंदर जवान मनमोहक मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले नव युवक से मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वह पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता मनुष्य गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि वह कभी भी अपने पति का अप्रिय ना करे। जो पति के साथ या बाद में भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, वही पत्नी पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करे, घर के कामों में ध्यान दे, पति के काम धंधे या बाहर गांव से घर आने पर भर्ता को देखकर आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले, पत्नी को आसन भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को धन खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया उसी में घर चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान देने के लिए दिए गए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बंधुओं को धन न दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि, पवित्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर 4th दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। तब रसोई व अन्य सामान को छूना वे भगवान को नमस्कार और पूजा पाठ न करे। फिर 4th दिन स्नान आदि करके प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भवती हो जाए तो निम्न नियमों का पालन करे। वस्त्र आभूषण पहनकर रहे और अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख और धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे, अपनी आत्मरक्षा करे, विभूषण से विभूषित रहे, वास्तु देवता का पूजन करती रहे जिससे गर्भ की रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले, पराए घर का भोजन न करे,
किसी भयंकर दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने, गरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से नारी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। सदा पति के निकट रहे, दूर न रहे, पति के कहे के अनुसार नियत स्थान पर रहे, अपनी स्वेच्छा से गांव व शहर न बदले, हास्य विलास से पति का मुख कमल देखे। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने और पति के प्रवचन के समय किसी से न बोले। यदि पति रमण स्थान पर बुलाए तो तुरंत जाए। यदि उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर सुने। उदास और व्याकुल चित्त से पति के पास ना बैठे। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़े, ऊंचे स्वर में न रोवे और पति को न कोसे। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाए। सब आदि में जैसे शादी में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाएं, वहां बहुत देर तक ना रहें, अपने घर शीघ्र चली आएं। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोलें, अशुभ बात मुंह से न निकालें। निषेध शब्द कहकर रोकें या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उबटन न लगावें। पति की रक्षा के लिए व्रत पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करती रहें। सास ससुर के निकट सोवें, अन्य जगह पर नहीं। प्रतिदिन पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहें और देवी देवता से मनौती करती रहें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री श्रृंगार ना करे, साधारण वस्त्र पहने, सुगंधित वस्तु न लगावे, जोर से ना हंसे, दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों के लिए अत्यंत दुखदायी कहे गए हैं। स्त्री के लिए उचित है कि वह घर के कामकाज करके शरीर पर हल्दी का उबटन लगाकर शुद्ध जल से स्नान करे, स्वच्छ श्रृंगार करके पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन वाणी और कामना सहित घर का काम छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे प्रिय, किस लिए याद किया कहिए। द्वार पर बहुत देर तक न खड़े रहे और न ही बैठे। पति द्वारा दी गई वस्तु को कभी दूसरों को ना दें। पति की झूठी मिठाई अन्न फल आदि को प्रसाद समझकर खावें। सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी नहीं उठावें। कहीं अकेली न जाएं। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता न समझें। पतिव्रता उखल मुसल बुहारी चक्की चरखा देहरी इन पर कभी न बैठे। यदि नारी को तीर्थ करने की इच्छा हो तो पति से आज्ञा ले। पति के किसी कार्य के कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती है वह बहुत निर्जन वन की गीदड़ी होती है। जो अहंकार से अपने पति को अप्रिय बोलती है वह गूंगी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती वह बेडौल मुख वाली कानी और कुरूपा होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल आसन तांबूल देकर पंखा से हवा कर मीठा बोलकर सुख देती है उसको पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का आशीर्वाद न ले। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरे के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को उसकी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सांप पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सांप को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं।
पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने ही करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है। दुराचारिणी नारी अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और लोक और परलोक दोनों में दुखी रहती है। प्रारब्धवश पति के परलोक गमन करने पर स्त्री को अपनी और अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पति होने से अर्धपतन होता है और उसके पिता और पति के कुल के पितेश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि पतित होने से अधपतन होता है और उसके पिता और पति के कुल के पितेश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। स्त्री नित्य प्रति कुश तिल तथा जल से पति को तर्पण करे। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करे। सफेद वस्त्र धारण करे। इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती हैं और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए और सब नियमों का पालन करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास कथा 30वां अध्याय समाप्त।